ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आप जानते हैं कि इस वक्त बिग बैश लीग वो अपने अरूज पर है, जोरों शोर से जारी है। तो ये टूर्नामेंट जब स्टार्ट होने लगा था ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में असेस ये किया जा रहा था, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि इस टूर्नामेंट में हारिस रऊफ पाकिस्तान की तरफ से तबाही मचा देंगे। मेलबर्न स्टार्स के लिए वो खेलते हैं, मेलबर्न स्टार्स ने इस सीज़न के लिए उनकी प्रमोशन भी ठीक ठाक की, मार्केटिंग पे भी ठीक ठाक पैसा लगाया, लेकिन वो पाकिस्तानी बॉलर जो इस वक्त बिग बैश लीग के अंदर छाया हुआ है, उसका नाम हारिस रऊफ नहीं है, उसका नाम है जमान खान। यस, जमान खान ने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है, बेहतरीन बॉलिंग भी कर रहे हैं और वो खेलते हैं सिडनी थंडर्स की तरफ से। जमान खान ने सबसे पहले, मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड क्या तोड़ा है, किसी भी एक कैलेंडर ईयर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा T20s में विकेट्स लेने का रिकॉर्ड ये अब जमान खान के पास है। जमान खान से पहले ये रिकॉर्ड था शादाब खान के पास। शादाब खान ने पिछले साल एक साल यानी कि एक कैलेंडर ईयर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से T20s में 61 विकेट्स ली, जो कि रिकॉर्ड नंबर था, हाईएस्ट नंबर था। अब जमान खान ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है और उनकी इस कैलेंडर ईयर में अभी तक जो कि ख़त्म नहीं हुआ चल रहा है, इस कैलेंडर ईयर के अंदर जमान खान की इस वक्त तक नंबर ऑफ विकेट्स हो चुकी हैं 62 और वो अभी रुकेंगे नहीं। अभी तो कैलेंडर ईयर ख़त्म होने में टाइम है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लिस्ट है ये एक कैलेंडर ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा T20s के अंदर विकेट्स लेने वाली, इसमें वो और ऊपर जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस लिस्ट में टॉप के ऊपर राशिद खान है, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर, मेरा ख्याल है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेहतरीन किस्म के बॉलर हैं, वाइड बॉल क्रिकेट में तो वो छाए हुए हैं, बड़ी तेज़ लेग स्पिन करते हैं, गूगली बड़ी तेज़ मारते हैं, पिक करना उनको बड़ा मुश्किल है, उनकी कोई 95-96 ऑड कोई इतनी तकरीबन विकेट्स हैं एक कैलेंडर ईयर के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर आंद्रे रसल हैं, वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर, उनकी 70 प्लस कोई समथिंग विकेट्स हैं और अब इस लिस्ट में 62 विकेट्स के साथ जमान खान भी हैं और वो पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं विद इन अ कैलेंडर ईयर इन T20s। अच्छा, जमान खान सिडनी थंडर्स को मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने ये रिकॉर्ड हारिस रऊफ की ही टीम के अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट उनके तोड़ा है। चार ओवर्स की हैं उस मैच में, इन्होंने 23-24 रन दिए हैं, 3 विकेट्स भी ली हैं और मेरे नज़दीक जो मुझे उनकी विकेट सबसे ज़्यादा पसंद आई वो नन अदर देन उनके कैप्टन यानी कि स्टार्स के कैप्टन मैक्सवेल की थी। मैक्सवेल का इंजन गर्म हो चुका था, ठीक है, जब वो आउट हुआ है 3-4 चौके वो मार चुका था, वो ख़तरनाक नज़र आना शुरू हो चुका था और इससे पहले कि वो मज़ीद अपने हाथ खोलता, मज़ीद जमान खान की सिडनी थंडर्स की फेंटी फूटी लगाता, जमान खान ने डिलीवर किया मेरे ख्याल में बॉलिंग का सबसे बेहतरीन बॉल, या क्या उसे कहते हैं, बॉलिंग के आर्सेनल में सबसे ज़्यादा मोहलिक हथियार यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, 10 out of 10 यॉर्कर, मतलब वो जाकर जिसे कहते हैं ना टो में लगा स्टंप्स की, इतना परफेक्ट यॉर्कर था। और मज़े की बात कि जमान खान की उस बॉल की कोई ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, 130 स्पीड थी, लेकिन वो यॉर्कर इतना परफेक्ट था कि मैक्सवेल डिस्पाइट द फैक्ट कि सेटल्ड हो चुका था, चौके शोके मार रहा था, वो उस बॉल को नहीं खेल सका और उसके डंडे उखड़ गए। जमान खान मैं इस वजह से कहता हूँ कि T20s के अंदर ही इज़ अ रियली गुड बॉलर, कि वो उसको पता है मेरी पेस ज़्यादा नहीं है, 130-135 मीडियम पेसर ही है जमान खान, लेकिन वो अपना दिमाग बहुत इस्तेमाल करता है। आप उसको देखिएगा, वो आपको तेज़ बाउंसर करता हुआ नज़र आएगा जमान खान, वो आपको स्लो बाउंसर मारता हुआ नज़र आएगा। यॉर्कर स्पेशलिस्ट तो वो है ही है, यॉर्कर इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान में वाइड बॉल क्रिकेट से बेहतरीन यॉर्कर्स मारने वालों में मेरे नज़दीक जमान खान पहले नंबर पर है, लिटरली वाइड बॉल क्रिकेट में उसने प्रूव भी किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा कटर्स बेहतरीन मारता है, जिसे कहते हैं फुलर लेंथ, वो बड़ी सोच समझ के वो डिलीवर करता है, तो वो ना आपको नज़र आता है कि जमान खान हर बॉल के ऊपर सोच रहा होता है कि मैंने अब नेक्स्ट बॉल क्या करना है। ऐसा नहीं है घोड़े की तरह भागता हुआ आया, ना सर देखा ना पाँव देखा, बस करा दी, नहीं, बहुत सोचने समझने वाला बॉलर है, इसी वजह से T20 क्रिकेट के अंदर वो सबसे ज़्यादा कामयाब है। ODI क्रिकेट उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा खेली नहीं हुई, वर्ल्ड कप में उनको जाना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वर्ल्ड कप के लिए नहीं सेलेक्ट किया गया था। वर्ल्ड कप में भी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे सकते थे, लेकिन कोई मसला नहीं है, आगे जब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे तो हो सकता है हम जमान खान को इन एक्शन देखें, लेकिन जहाँ तक बात रह गई T20s की, इस पर्टिकुलर टाइम में वो छाए हुए हैं,
ओवरऑल उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ 70-80 मैचेस खेले हुए हैं T20s के और 100 प्लस वो विकेट्स कर चुके हैं। 102 एग्जैक्ट उनकी T20s के अंदर विकेट्स हैं। कमाल के बॉलर हैं। PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं। PSL में उनकी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है। BBL में वो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी उन्होंने लिमिटेड किस्म की लीग की T20 क्रिकेट खेली भी है और वहाँ पर भी इस पठान बॉलर ने अपना लोहा मनवाया हुआ है। तो मेरे नज़दीक ऑब्वियसली आप चाहते तो हैं कि यार जमान खान जैसा बॉलर पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेले। वाइड बॉल क्रिकेट में तो समाउ दी अदर जो मैं जितना मैंने उनको देखा है वो चल जाएंगे। हाँ टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको ना ज़बरदस्ती आउट करना पड़ता है तो उसके लिए फिर आपकी ज़रा बॉल गेम डिफरेंट हो जाती है, फिर आपको उसमें ठीक ठाक पेस भी चाहिए होता है। तो जमान खान का उस लेवल का पेस तो नहीं है, लेकिन अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में ट्राई करना है तो उसमें कोई मजायका भी नहीं है। जमान खान को टेस्ट क्रिकेट में ट्राई किया जा सकता है। यू नेवर नो, एक बंदे की किस्मत भी तो होती है ना। माना कि उसके पास पेस नहीं होगी लेकिन एक सोचने वाला दिमाग तो है और वो हमने T20 में क्रिकेट में देखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि जमान खान का कब कुरा निकलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कब ODIs खेलती हैं, कब वो पाकिस्तान के लिए अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं। फिलहाल जहाँ तक बात रहेगी T20s की तो वहाँ पर तो वो छाए हुए हैं। शादाब खान का मैंने आपको बताया 61 विकेट्स का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 62 विकेट्स अब उन्होंने अपने नाम कर दी हैं। तो अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में वो कौन से मजीद नए रिकॉर्ड्स को कायम करती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू जमान खान। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।